जी हाँ, आईफा के इवेंट पे भी काफी ज्यादा एक वीडियो वायरल चल रहा है जो आप लोगों ने शुरू में देख लिया होगा, मैंने दिखा दिया। उसमें अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि वो विक्की कौशल वहां पर खड़े हुए और सलमान खान वहां से एंट्री ले रहे हैं, और वो उन्होंने एक तरह से उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको साइड कर दिया। बड़े बड़े अच्छे अच्छे मीडिया पोर्टल्स को मैं देख रहा हूँ, मीडिया हाउसेस को देख रहा हूँ, वो इस तरह की हेडलाइन चला रहे हैं कि सलमान खान ने जो है उनको विक्की कौशल को इग्नोर कर दिया और बिल्कुल वो नहीं किया या बात नहीं कर रहे, ऐसा करके क्यों किया, क्या किया, या सिक्योरिटी ने उनको धक्का दिया और ऐसे करके सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लोग वीडियो मैंने ऑलरेडी शुरू में स्टार्टिंग में डाली दिया है तो आप लोग वो थोड़ा सा देख सकते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी वहाँ खड़े हुए हैं, वो एंट्री हो रही है। अगर आप देखें सिर्फ विक्की कौशल की बात ही नहीं है, इवन दीपिका पादुकोण और भी दूसरे एक्टर्स, इनके भी जब किसी इवेंट में खड़े रहते हैं, जब सलमान खान की एंट्री होती है तो वो सारे मीडिया वाले जो होते हैं, पूरे पेपराजी जो है, सब सब वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो मेन एक्टर को छोड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं उनके पास। तो वो उनका एक तरह से उनका स्टार्डम इतना ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा ऑडियंस उनको देखना चाहती है कि वो भाई जो पत्रकार हैं, जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं, वो उसी का इंटरव्यू लेंगे ना जिसको जनता ज़्यादा देखना चाहती है, तो जिसको जनता ज़्यादा देखना चाहती है वहाँ चले जाते हैं। वही वाली चीज़ यहाँ पर भी एक तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार हैं, वहाँ पर वो उनका फोटो वोटो ले रहे हैं, कोई चल रहा है, उधर से उनकी एंट्री होती है तो वो तरह से उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको हटा दिया। विक्की कौशल को इतने बड़ा एक्टर्स है नहीं, हालांकि उन दोनों के बीच में कोई वैसा ड्रिफ्ट नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो इतने बड़ा एक्टर कोई है ही नहीं, वो कहीं से कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनसे। वो खड़े होकर वो करेंगे तो वैसे निकल के जा रहे थे, अब उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, तो ऐसा कहा गया कि उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, बात नहीं करी या वैसा करके इग्नोर कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए, अगर आप देखें तो विक्की कौशल वो कैटरीना कैफ को लेकर शायद इसलिए ज्यादा इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि कैटरीना कैफ को लेकर, अब अगर आप देखें तो विक्की कौशल को इतने बड़े स्टार है नहीं, उनके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट एक तरह से ये है कि उन्होंने कैटरीना कैफ से शादी की हुई है, और पूरा उनका करियर खत्म हो जाएगा तब तक भी उनका अचीवमेंट यही रहने वाला है कि वो कैटरीना कैफ के हस्बैंड है। इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा अचीवमेंट होने भी नहीं वाला। जहाँ तक बात किया दोनों की, तो अगर आप बात के भी वीडियोज देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा उसी आईफा इवेंट के अंदर ही बाद में वो दोनों मिले भी हैं एक जगह, वो दोनों हाथ मिला रहे हैं, गले भी मिल रहा है, वो भी देखने को मिल रहा है विक्की कौशल सलमान खान के बीच में। वो तो ऐसा दौर है, वहाँ से निकल रहे हैं, तो वो चीज़ को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जा रही है मीडिया की तरफ से, वो सारी बेकार की बातें की जा रही है। जहाँ तक बात किया सलमान खान की, तो आईफा इवेंट में आए हैं और ऑडियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है। अगर आप देखें तो पहले से ये चीज़ चलने लग रही थी, क्योंकि ऐश्वर्या राय के हस्बैंड जो है देखने को मिल रहा है अभिषेक बच्चन, और कैटरीना कैफ के हस्बैंड जो विक्की कौशल है, दोनों होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आईफा इवेंट को। इस वजह से भी थोड़ी सी बात ज़्यादा चलने लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया हाउसेस के द्वारा इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा करके खींच के और बहुत ही ज़्यादा करके दिखाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। इस तरह से दिखा के या ये गलत चीज़ें कराने की जरूरत नहीं है, और इस तरह से किसी के प्रति भी हेट देने की जरूरत नहीं है।